योगी हैं शिवानी मिश्रा। और बड़ी खबर से शुरू करते हैं। राजसमंद में बीजेपी बड़ी जीत की ओर। बीजेपी प्रत्याशी महिमा कुमारी जो हैं मेवाड़ 3 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि महिमा कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुर्जर को पछाड़ दिया है। शुरू से कांग्रेस के राहुल कस्वा आगे चल रहे हैं और राहुल कस्वा ने बनाई है 69,166 वोटों की अजय बढ़त। बांसवाड़ा के बीएपी के राजकुमार रोत 1,85,000 वोटों से आगे हैं। और वहीं बांसवाड़ा के बारे में आप शिवानी अगर बताना चाहें मार्गदर्शन। बिल्कुल, तो बांसवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 4 लाख मत मिले हैं। तो ये अब तक के रुझान जो सामने आए हैं अपने दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। बांसवाड़ा की बीएपी के राजकुमार रोत 1,85,000 वोटों से आगे हैं और राजसमंद में बीजेपी बड़ी जीत की ओर नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी महिमा कुमारी मेवाड़ से आगे नजर आ रही हैं। महिमा कुमारी ने कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुर्जर को पछाड़ा है और अजमेर से बीजेपी प्रत्याशी 3 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं। और देखिए चूरू सबसे इंटरेस्टिंग सीट इस वक्त नजर आ रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त नजर आ रही है और राजसमंद में दूसरी ओर बीजेपी बड़ी जीत की ओर नजर आ रही है। तो आदित्य देखिए जो सीटों के समीकरण है और जो अब तक के रुझान है वो टीवी स्क्रीन पर भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की 25 सीटों में से 14 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। और बिल्कुल इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो यहां पर 11 सीटें उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है लेकिन अब तक की ये रुझान जो दर्शकों को हम बता रहे हैं, महिमा कुमारी ने कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुर्जर को पछाड़ा है, अजमेर से बीजेपी प्रत्याशी 3 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं और चूरू से कांग्रेस के राहुल कस्वा आगे हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। बिल्कुल, बांसवाड़ा में बीएपी के राजकुमार रोत 1,85,000 से आगे हैं शिवानी। और हमारे दर्शकों को बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी महिमा कुमारी मेवाड़ जो है 3 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं। हालांकि एक चीज जो देखने की बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जब हम एग्जिट पोल्स की बात कर रहे थे तो कुल 18 से 20 सीट जो है शिवानी हमारे दर्शकों को भी हम बता दें वो बीजेपी के खाते में जा रही थी। इस बार बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर निकल के आया है। हालांकि बीजेपी स्टिल विनिंग, बीजेपी फिर भी जीत रही है 14 सीट बीजेपी के खाते में, 11 सीट जो है वो INDIA अलायंस के खाते में है। लेकिन बड़ी खबर जो आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर NDTV राजस्थान के माध्यम से वो है कि अजमेर से बीजेपी प्रत्याशी 3 लाख मतों से आगे चल रही। हालांकि शुरू में शिवानी आप देखेंगे कांग्रेस जो है वो थोड़ी आगे बढ़ी है। जी शिवानी, बिल्कुल देखिए आदित्य अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है लेकिन ये जो अब तक के रुझान है उसके मुताबिक ये जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, तो प्रतीक सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जिनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिंह साहब हमारे NDTV माध्यम राजस्थान के माध्यम से जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छी भी बात भी है क्योंकि इस बार इंडिया अलायंस एक साथ आती है और 11 सीट राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में भी बात करें शिवानी अच्छा कर लेती है। उत्तर प्रदेश में अच्छा कर रही है, राजस्थान में अच्छा कर रही है। लेकिन इसके बारे में अगर आपसे मैं एक जानकारी लेना चाहूं कि इतने आगे जो चल रही है कांग्रेस, क्या अग्निवीर योजना जो है उसके बारे में, क्योंकि बार बार राहुल गांधी जो है वो बार बार जब भी वहां पर लोगों के सामने गए, समक्ष गए, उन्होंने अग्निवीर योजना पर बड़ी तरह से उन्होंने प्रहार करते हुए उनके सब लोगों के सामने रखा, क्या इसकी वजह से और क्या क्या वजह है उसके बारे में अगर आप दर्शकों को बताना चाहें। देखिए सिर्फ अग्निवीर योजना ही नहीं, आप चाहे महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, आर्थिक विषमता की बात कर लीजिए, ये 3 प्रमुख मुद्दे लेकर के राहुल गांधी जी पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा निकाली थी और जनता के इन्हीं मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षण करने का काम किया था। बार बार नरेंद्र मोदी जी से अपील की गई, चाहे पेट्रोल डीजल के दामों की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर के दाम की बात हो, चाहे से बेरोजगारी जो 45 साल की बड़ी, ये सारे मुद्दे थे और उन्हीं मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी चली और राहुल गांधी जी ने यही मुद्दे उठाए। वहीं बीजेपी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, वो मंगलसूत्र की बात करते रहे, मछली की बात कर रहे, मुजरे की बात करते रहे, मंदिर की बात करते रहे, मुसलमानों की बात करते रहे, लेकिन इस देश के जो मूल मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, इन मुद्दों के ऊपर कभी बात ही नहीं की। और इसीलिए जनता ने इस बार मुंह फेर लिया और आप देखिए कि बीजेपी 220 मेरे ख्याल में 210-220 सीटों के आसपास सिमट रही है। बीजेपी की अपने दम पर सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जिनके दम पे सरकार बनाने की वो चाह रहे हैं कि सरकार बना ली जाए, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पहले भी चाहे नीतीश कुमार की बात करें, चाहे TDP की बात करें, कांग्रेस के साथ आ चुके हैं और वापस से कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। और इंडिया अलायंस 233 आप दिखा रहे हो, मुझे लगता है कि ये 5-6 बजते बजते इंडिया अलायंस का जो टैली है वो 250 के आसपास जाने वाला है।
और निश्चित तौर पर अब 10 साल के जो प्रधानमंत्री जी ने जो झूठ और जुमले चलाए उसको इंडिया की सरकार टाटा बाय बाय करेगी। भारत की जो जनता है उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया। प्रतीक जी बिल्कुल, अभी फिलहाल राजस्थान की 25 सीटों पर हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि 2 डिजिट में हमें सीटें मिल रही हैं, हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, परिणाम आने अभी बाकी हैं, लेकिन रुझान में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 11 सीटें इंडिया अलायंस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। अभी भी उतार चढ़ाव कई सीटों पर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आगे शाम तक, क्या परिणाम हो सकते हैं आपके अनुसार? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम बात करेंगे तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 20-25 हजार वोट से आगे चल रहे हैं, तो वो कभी भी टैली चेंज हो सकती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला वो मात्र 10 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं, तो वो कभी भी पिछड़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इंडिया का जो टैली है वो 15 से 17 के बीच में जाने वाला है। इनकी सरकार को जो पर्ची सरकार बनी और उसके बाद में जनता ने माना कि कांग्रेस की सरकार को नहीं चुनना, उनसे भूल हुई, उसके बाद में जनता ने अपनी भूल सुधारी है। चाहे से आप पहले के उपचुनाव टीटी के उपचुनाव की बात कर लीजिए, आज भी एक उपचुनाव हुआ है बागी दौरा के अंदर, वो भी जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने जीता है। उसके बाद में 15-16 जो सीटें हैं जो लोकसभा की वो जीतने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्ची सरकार है वो अपने वादे के अंदर करके जो वादे आई थी उसमें फेल हो चुकी है, विफल हो चुकी है बुरी तरीके से। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अरुणेश झा भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अरुणेश जी आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और सबसे पहले अब तक की जो रुझान सामने आए हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जिस तरीके से रुझान आए हैं सामने, हाँ, वो अप्रत्याशित नहीं है, हाँ, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा दोनों एक दूसरे से जुटा हुआ है जी। और जिस तरीके से रुझान राजस्थान के आए हैं उसी तरीके का रुझान हरियाणा से भी है और पंजाब से भी है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज चल रहे थे और उसका खामियाजा जो है इनको लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है, क्योंकि जनता यह मन बना चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके के मुद्दे बनाए गए, स्थानीय मुद्दे को जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने बनाने की कोशिश की, वो मुद्दा रंग लाता हुआ दिखाई दे दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहले पीएम फेस के नाम पे चुनाव लड़ा जाता था वो कहीं भी पीएम फेस चुनाव नहीं बन पाए, कहीं भी मोदी के नाम पे वोट नहीं पड़ पाया। ये सबसे बड़ी बीजेपी की हार रही कि मोदी का चेहरा आगे करके मोदी को जिताना है, फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनाना है। इस मुद्दे को जनता कहीं ना कहीं स्वीकार करने में हिचकती हुई दिखाई दी। मुझे लगता है कि हो सकता है, हाँ, कि शाम आते आते जब चुनाव परिणाम आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैतिकता के आधार पर स्वयं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। अगर दे दे तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। उनकी पार्टी आज भी भाजपा 250 के नीचे चल रही है, 250 के नीचे चल रही है। तो उस स्थिति में भाजपा के अक्सर ये कयास लगाया जाता है झा साहब कि अगर कम वोटिंग परसेंटेज हुआ तो कांग्रेस की जीत, अगर ज्यादा मतों से मताधिकार, हाँ, का लोगों ने प्रयोग किया है तो बीजेपी की जीत। क्या यह भी एक मुद्दा था जिस वजह से हम जो आंकड़े देख रहे हैं वो 11 कांग्रेस और 14 बीजेपी है? इसके बारे में झा साहब अगर आप दर्शकों को कुछ कहना चाहें। सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी इनकंपेंसी की पहले जो परंपरा रही है कि अगर मतदान होता है तो सरकार के खिलाफ मतदान होता है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरीके की गर्मी थी और शहरी मतदाता जिस तरीके से घरों से नहीं निकले, उदासीन रहे, और इनका कहीं न कहीं भाजपा का जो बूथ का मंत्र था, पन्ना प्रमुख का मंत्र था, वो कहीं न कहीं इस मामले में पूरी तरह से फेल हुआ। उनको टारगेट दिया गया था कि हर पोलिंग बूथ से 10% वोट बढ़ाना है, लेकिन वो टारगेट कहीं अचीव नहीं कर पाए, बल्कि वहाँ पे उनको गिरावट ही महसूस हुई। तो इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में भुगतना पड़ रहा है। जी झा साहब, क्योंकि आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, आप विशेषता राजनीति को बड़े अच्छे से जानते हैं, इसलिए अगर यहाँ पे अभी आंकड़े देखें, 14 बीजेपी है, 11 जो है वो इंडिया अलायंस है, ये जो आंकड़े हैं कहाँ जाके स्थिर होगी, इसके बारे में आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 13-12 भी हो सकता है, और 13 माने बीजेपी हो सकती है, 12 हो सकती है, या 13 कांग्रेस हो जाए और बीजेपी 12 हो जाए, इसी के आसपास का ही आंकड़ा दिखाई दे रहा है अब तक के रुझानों के हिसाब से जो मुझे लगता है।
ठीक है, प्रतीक जी के पास चलते हैं, जरा उनसे जानते हैं। 11 सीटें इंडिया अलायंस को मिलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो दावा किया जा रहा था कि 2 डिजिट में सीटें मिलेंगी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, हालांकि ये इंडिया अलायंस गठबंधन की जो आंकड़े हैं रुझान में वो अब तक के सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो दावे थे वो अभी तक के रुझानों में साबित होते नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे अभी बताया कि 2-3 सीटें ऐसी हैं जिसमें जो अंतर है वो 10,000-12,000-15,000-20,000 का चल रहा है, तो वो निश्चित तौर पे, क्योंकि उसकी अभी 20%, 30%, 40% भी उसकी काउंटिंग है वो पूरी नहीं हुई है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी 10 से 11 सीटें अपने दम पे जीतेगी। और तीन हमने जो अलायंस किए हैं वो तीनों पार्टनर जो अलायंस के हैं वो जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पे बीजेपी से बढ़त बनाए हुए, और आप देखिए कि बढ़त तब बनाए हुए जब नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में पहली बार आकर के हिंदू मुसलमान करने का काम किया। इस देश के में पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी जो खुले मंच पे, चुनावी मंच पे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो उसके बाद में आपने डराने धमकाने, चुनाव आयोग का आपने देखा किस तरीके से रवैया रहा, 132 से ज्यादा कंप्लेंट की गई, किसी के ऊपर नोटिस नहीं दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाया गया लगातार, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता रहा, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन बेहतरीन स्थिति में, बेहतरीन काम किया है जनता, क्योंकि ये चुनाव जो था वो बीजेपी और जनता के खिलाफ चुनाव हो गया, क्योंकि जनता को आप देखिए महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, 45 साल की भयंकर बेरोजगारी है। आप बोलते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाल दिया और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। हाँ। तो किस तरीके की आप देखिए आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, पैसे वाला और पैसे वाला होता जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, और यही सब मुद्दों के ऊपर जनता ने वोट दिए। और जिस तरीके से हमारी पूर्ववर्ती सरकार चली, अशोक गहलोत जी की सरकार चली, और जनता ने गलती की, उस सरकार को बदला, और उसके बाद में जनता ने महसूस किया कि हमको जो लाभ मिल रहे थे अशोक गहलोत जी की सरकार में वो सारे लाभ मिलने बंद हो गए, और उसी का नतीजा ये रहा कि 2 उपचुनाव हुए, आज भी एक का रिजल्ट आ रहा है, वो भी बीजेपी हार रही है, पहले जो उपचुनाव हुआ वो बीजेपी हार रही है, और लोकसभा के अंदर जो पिछली बार 25 में से 25 थे उनके हालात 50% के भी नीचे चले गए हैं। तो ये जनता ने इनके खिलाफ वोट किया है, और ये इनको मुझे लगता है पर्ची सरकार के मुखिया को नैतिकता के तौर पर अपना इस्तीफा देकर के नया मुख्यमंत्री चुनना चाहिए।